नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चिकित्सा विभाग की विभिन्न भर्तियों के बारे में। कौन सी भर्ती किस कारण से अटकी है, उसका पूरा विश्लेषण यहाँ पर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। मैं बता दूं, आज हम इस वीडियो में मेडिकल डिपार्टमेंट की एनएम जीएनएम LTAR फार्मासिस्ट ECG टेक्नीशियन सहित विभिन्न भर्तियों की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं चिकित्सा विभाग की भर्तियां। भर्ती के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 26 महीने और प्रयोगशाला सहायक 27 महीने से कर रहे हैं इंतजार। 8 नौकरियों के 20,677 पदों में से सिर्फ 11,450 पर ही भर्ती, 9,227 पोस्ट पर अभी नियुक्ति बाकी। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल डिपार्टमेंट की विशेषकर बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें 8 महीनों में 20,677 पदों पर भर्तियां हुई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 11,450 पदों पर ही नियुक्ति मिली, 9,227 पोस्ट अभी भी बाकी चल रही है। चिकित्सा विभाग ने पिछले साल सहायक रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नर्स ग्रेड द्वितीय, फिजियोथेरेपिस्ट की भर्तियां निकाली, लेकिन अभी तक भर्तियां पूरी नहीं हुई। भर्तियां अटकने के प्रमुख कारणों में कोरोना काल, दस्तावेजों का सत्यापन न होना, परिवेदना मांगकर दोबारा सूची जारी करना, नियमों में संशोधन, मामले कोर्ट में लंबित होना बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल डिपार्टमेंट की जो प्रमुख भर्तियां हैं उनके अटकने का कारण कोरोना काल, परिवेदना वापस मांगकर सूची जारी करना, दस्तावेजों का सत्यापन न होना, नियमों में संशोधन होने और कोर्ट में अटकना प्रमुख बताए हैं। अब तक निकाली गई 8 भर्तियों के 20,677 में से 11,450 पदों पर ही नियुक्तियां दी गई, 9,227 पदों पर भर्तियां पूरी नहीं होने के कारण जिला अस्पताल, जिला सैटेलाइट अस्पताल, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले मरीजों का जो इलाज है वो प्रभावित हो रहा है। राजस्थान NHM फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि ओझा का कहना है कि पैरामेडिकल के अन्य भर्तियों की तर्ज पर फार्मासिस्ट की भर्ती भी मेरिट के अनुसार होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, जो फार्मासिस्ट की जो भर्ती निकाली थी वर्ष 2018 में और जिसकी एग्जाम होनी थी दिसंबर के आसपास, लेकिन उस भर्ती को अचानक यहाँ पर रद्द कर दिया गया। उस भर्ती की पूरी प्रोसेस को ही यहाँ पर रद्द कर दिया गया। पिछले लगभग एक महीने से ज्यादा का समय हो गया, नियमों में संशोधन की बात कही थी कि नियमों में संशोधन करके नई जल्द ही नई भर्ती की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी भर्ती यहां पर नहीं निकाली गई है। मैं बता दूं, फार्मासिस्ट में बोनस का लाभ देना, लिखित परीक्षा के स्थान पर अन्य भर्तियों की तरह शैक्षणिक व तकनीकी प्राप्तांकों की गणना के आधार पर संशोधन यहां पर प्रस्तावित है। इसी के आधार पर लगभग जो 4,000 फार्मासिस्ट के पद खाली चल रहे हैं राजस्थान में, 4,000 फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती की मांग की जा रही है। मैं बता दूं, जो मुकुल जी शर्मा जो निदेशक है चिकित्सा विभाग के, उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि सहायक रेडियोग्राफर व लैब टेक्नीशियन के दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है, परिवेदना मांग कर फाइनल सूची जारी की जाएगी। तो दोस्तों, LT और AR भर्ती दो जो 20 है उसमें जो है दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो चुका है, फाइनल यहां पर जो सूची है वो जल्द जारी की जाएगी। यहां पर जो परिवेदना है वो मांगी जाएगी और परिवेदना मांगकर जो फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब जानिए कौन सी भर्ती चिकित्सा विभाग के किस कारण से अटकी है। सबसे पहले बात करते हैं सहायक रेडियोग्राफर, असिस्टेंट रेडियोग्राफर AR भर्ती की। AR भर्ती 2020 में 1,058 पद है। बोर्ड की ओर से परिवेदना मांगने व अंतिम सूची जारी करने की प्रक्रिया अभी बाकी है। दूसरी जो भर्ती है लैब टेक्नीशियन की, LT भर्ती, LT भर्ती 2020 में पदों की संख्या 11,119 पद हैं। बोर्ड की ओर से परिवेदना मांगने व अंतिम सूची जारी करने की प्रक्रिया बाकी है। तीसरी जो भर्ती है ECG टेक्नीशियन की, कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके लिए 26 जुलाई 2018 को विज्ञप्ति जारी की गई, यानी कि ECG जो टेक्नीशियन भर्ती है वो 2018 से पेंडिंग है। चौथी बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती की। फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती में पदों की संख्या 30 है। RPSC की ओर से 23 नवंबर को परीक्षा हो चुकी है, परिणाम का इंतजार है। पांचवी भर्ती है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट भर्ती वर्ष 2018 में लगभग 1800 पदों पर निकाली गई थी। विवाद होने के कारण भर्ती की जो पूरी प्रक्रिया है वो ही यहां पर है और जो भर्ती है वो निरस्त कर दी गई। फार्मासिस्ट भर्ती में बोनस अंक का लाभ देना,
लिखित परीक्षा के स्थान पर अन्य भर्तियों की तरह शैक्षणिक व तकनीकी प्राप्तांकों के आधार पर जो है गणना करना प्राप्तांक का, इसका जो संशोधन का प्रस्ताव है वो लंबित है। जैसे ही ये संशोधन का प्रस्ताव कंप्लीट होगा, यहाँ पर जो है फार्मासिस्ट के लगभग 4000 पदों पर भर्ती की घोषणा की जाएगी। 6 नंबर भर्ती है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एनम भर्ती 2018। एनम भर्ती 2018 दो वर्षों से पेंडिंग है, 2018 की भर्ती है जिसपे लगभग 4758 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। कुछ चयनित अभ्यर्थी जामिया उर्दू अलीगढ़ से सेकेंडरी उत्तीर्ण है। इस कॉलेज की जो मान्यता का मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है। मैं बता दूं कल इस पे सुनवाई होनी थी, यहां पर कल सुनवाई हुई है। क्या इसका जो है फाइनल कंक्लूजन आया जामिया उर्दू अलीगढ़ का, वो आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। तो दोस्तों एनम भर्ती 2018 4758 पदों पर नियुक्ति जारी कर दी गई है, लेकिन लगभग 1000 पदों पर जामिया उर्दू अलीगढ़ के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 10वीं जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से की है वो अभी विचाराधीन है कोर्ट में, इसके कारण इनको यहां पर नियुक्तियां नहीं दी गई है, को मामला कोर्ट में है। जीएनएम भर्ती 2018 6602 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। खिलाड़ियों के खेलकूद फेडरेशन से सत्यापन व दस्तावेजों के अधीन अध्याधीन पदों का परिणाम यहां पर रोका गया है। जी हां दोस्तों, जीएनएम भर्ती के लगभग 6602 पदों पर नियुक्तियां दे दी गई है। यहां पर कुछ जो खेल कोटे और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण परिणाम रोका गया है। खेल कोटे से जो अभ्यर्थी जुड़े हैं उनका संबंधित खेल संस्थान से उनके जो सर्टिफिकेट है उनका सत्यापन करवा के जल्द से जल्द यहां पर ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो दोस्तों जीएनएम में जीएनएम भर्ती 2018 में 6602 पदों पर ज्वाइनिंग दे दी गई है। कुछ खिलाड़ियों के जो खेल कोटे के प्रमाण पत्र सत्यापन बाकी है, इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अध्ययन भी परिणाम इनका रोका गया है, जल्द यहां पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। प्रयोगशाला भर्ती 2018, प्रयोगशाला भर्ती हाईकोर्ट की ओर से निर्णय के परिप्रेक्ष्य में महाधिवक्ता की राय मिली है, अब राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय होना शेष है। तो दोस्तों यहां पर 8 जो भर्तियां हैं जिसमें लगभग 20,677 पदों में से सिर्फ और सिर्फ 11,450 पदों पर ही नियुक्तियां मिली है। 9,227 पोस्ट ऊपर नियुक्ति मिलना अभी बाकी है। और मैं बता दूं ये जो 11,450 पदों पर जो ज्वाइनिंग मिली है वो एनम और जीएनएम भर्ती 2018 पे मिली है। बाकी सभी पदों पे चाहे सहायक रेडियोग्राफर भर्ती हो, लैब टेक्नीशियन भर्ती 2020 हो, ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती 2018 हो, फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती हो, फार्मासिस्ट भर्ती हो, इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक भर्ती हो, इन सभी में तो अभी नियुक्ति होना शेष है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एनम और जीएनएम भर्ती 2018 में ही यहां पर नियुक्तियां दी गई है। लेकिन मैं बता दूं एनम भर्ती 2018 में लगभग 1000 पदों पर अभी भी नियुक्ति मिलना शेष है। जामिया उर्दू अलीगढ़ का मामला कोर्ट में होने के कारण जो इस मामले की सुनवाई प्रक्रियाधीन है और जल्दी जैसे ही सुनवाई कंप्लीट होगी इनको भी यहां पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यानी कि 1000 पदों पर नियुक्तियां बाकी है। नर्स ग्रेड सेकंड के 6602 पदों पर ज्वाइनिंग दे दी गई है। कुछ जो अभ्यर्थी है वो खेल कोटे से संबंधित है और कुछ अभ्यर्थियों का यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण परिणाम रोका गया है, जल्द ही इनको यहां पर नियुक्तियां दे दी जाएगी। दोस्तों हमने बात की 8 भर्तियों की जिसमें लगभग 11,000 कुछ पदों पर यहां पर ज्वाइनिंग दे दी गई है और 9,500 पदों पर अभी ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो यहां पर चल रही है, जल्द ही इन पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूले। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।